अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आगे आने वाली जितनी सारी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ सांप पापड़ी बनाने की रेसिपी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पैन ले लिया है और आप यहाँ ध्यान रखें कि आप एकदम लो फ्लेम पर ही इस प्रोसेस को करें, हाई या मीडियम फ्लेम पर आप बिल्कुल भी ना करें इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे सांप पापड़ी बनाने के लिए। तो घी पिघलते तक हम वेट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले बड़े वाले मेज़रमेंट कप से 1 कप में इसमें मैदा ऐड करूँगी। याद रखें बड़े वाले मेज़रमेंट कप से 1 कप मैदा और 3 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 3 ही चम्मच ऐड करेंगे। और हम इसे कंटिन्यू इसे भूनते रहेंगे क्योंकि मैंने 2 चम्मच डाला हुआ है घी। तो अभी मैं इसमें 1 चम्मच और ऐड करूँगी। अभी हम इसे 1 चम्मच और घी ऐड कर लेंगे। तो मैंने घी ऐड कर लिया है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी हम इसे रेस्ट नहीं देंगे ताकि जो है हमारा जो मैदा और बेसन है वो सटे नहीं, जले नहीं। इसीलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट तक। हम इसे हल्का रोस्ट करना है ताकि हमें जब इसकी खुशबू आने लगे हल्का हल्का, तब जो है आप अपना जो इंडक्शन या गैस जो भी जिसमें भी आप इसे बना रहे हो उसे बंद कर दें। आप देख सकते हैं ये हल्का रोस्ट जस्ट हो ही चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना ही हमें रोस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब मैंने इसी कप से मैंने मैदा लिया था 1 कप और हम इसी कप से चीनी 1 कप ऐड कर रहे हैं एक सॉस पैन में। और 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हमें चीनी को भिगाना है। तो फिर से ऑन करेंगे। तो मैंने चम्मच अभी यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं थिकनेस है, बट मुझे जितना थिक बनाना है उतना थिक नहीं है। बस कैरेमल का जो कलर होता है, कैरेमल हम लोग जो तैयार करते हैं चीनी से, बस हमें इसे कैरेमल तक ही कलर आने तक वेट करना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं जो कैरेमल का जो कलर होता है वो आ चुका है। तो बस कुछ ही देर में हम अपना जो गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। मैंने ऑफ़ कर दिया है गैस का फ्लेम। और देख सकते हैं मैंने जो बेसन रोस्ट किया था मैंने उसे अच्छे से छान लिया है छलनी से। रोस्ट करने से पहले भी मैंने छाना था और वैसे रोस्ट करने के बाद भी मैंने छान लिया है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पाक बनाई थी वो मैंने दूसरे नॉनस्टिक पैन में घी लगाकर और उसमें मैंने इसे निकाल लिया हुआ है। अब हम इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये एक जगह ठहरे नहीं। धीरे धीरे ये एक बॉल के जैसे बन जाएगा। आप इसे हाथ से जैसे करोगे वैसे होने लगेगा। ये अभी ये बहुत गर्म है तो हम इसे हाथ नहीं लगा सकते हैं। देख सकते हैं हम इसे कंटिन्यू इस टाइप का करना है। आप चाहे तो हाथ से अगर आप कर पाएंगे तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है हाथ से करना, इसीलिए मैं चम्मच से कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ हाथ से करने की लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए मैं इसे चम्मच से ही कर रही हूँ। तो हम इसे कंटिन्यू इस तरह से करते रहेंगे। 20 से 25 बार हमें इसी तरह का करना है इसे।
अब थोड़ा ठंडा हो चुका है तो मैं इसे हाथ से ही करूँगी अब। तो मैंने बेसन को ले लिया है, तो आप देख सकते हैं हम इसी टाइप का करते रहेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बस ध्यान रखें सिरप सिरप किस तरह का करना है और आपको कितने कलर आने तक आपको सिरप को गैस पर रखना है। और भी तरह की ये बनती है सोन पापड़ी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और टाइप्स की भी सोन पापड़ी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अब बेसन को ऊपर लेते लेते और इसी तरह से हाथ से इसे करते रहें, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैरेमल किस कलर का था और ये सब पापड़ी की कलर आ चुकी है। पूरे रेसे इसके निकल रहे हैं। मेरी सब पापड़ी वो बनकर तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे किसी ट्रे पे या तो फिर किसी डब्बे पे मैं इसे स्टॉक कर दूंगी। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट, और मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर का यूज़ किया था 1 चम्मच, आप चाहें आपको जितना फ्लेवर चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे बादाम से या किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, पिस्ते या बादाम या फिर काजूस या फिर किसी भी चीज़ से। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, साथ ही फैमिलीज़ और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।